बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज हम फिर जा रहे हैं एक नई जर्नी पर और रहे आप हमारे साथ, चलते हैं फिर। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूंगी ताकि दोस्तों वीडियो इसलिए स्किप की थी ताकि आप लोग बोर ना हो, रास्ता काफी लंबा था, सो मैंने स्किप करके हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा एक टावर, और काफी रोशन और चमकदार सुबह है। आज धूप में थोड़ी सी शिद्दत है, लेकिन इतनी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, लेकिन बहुत चमकदार किस्म की सुबह है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा चमकती धमकती हुई सुबह। और जी, पहाड़ों के अंदर रोशनी भी नजर आ रही होगी, क्योंकि सूरज अभी अभी जो है वो तुलू हुआ है, और उसकी रोशनी पहाड़ों पे पड़ने की वजह से ये जो आपको चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, ये वही घर हैं जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत कम बात करूंगी, क्योंकि मैं आपको सुनाऊंगी कुछ परिंदों की इतनी खूबसूरत आवाजें, यकीन करें कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था बात करने को। मैं चाहती थी कि वो आवाजें मैं आपको भी सुनाऊं, तो इतनी अच्छी खामोशी उस नाटे के दरमियान वो आवाजें, ऐसे लग रहा था जैसे नेचुरल म्यूजिक, इतनी खूबसूरत आवाजें परिंदों की कि मेरा दिल चाह रहा था रिकॉर्ड करके मैं आपको सुना दूं। मैं आपको वो आवाजें भी सुना रही हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने सुनी परिंदों की आवाज़ें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन करें। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको जी फलदार दरख्त, और इसके साथ लगी हुई है मीठी और मज़ेदार किस्म की खुबानियाँ। थोड़ा सा दूर करके दिखाऊंगी, फिर थोड़ा सा करीब करके उसका व्यू आप देखें। ऐसे लग रहा है जैसे मैं जन्नत के किसी टुकड़े पे खड़ी हूँ कि जहाँ फलदार दरख्त भी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और उसके साथ इतना खूबसूरत म्यूजिक परिंदों की आवाज़ों का, आप इमेजिन करें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मजीद हमने थोड़ा सा सफर आगे जारी रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक छोटा सा मुल्क दुनिया। वीडियो को स्किप करके चलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसे खामोश हो गई थी ताकि मैं आपको परिंदों की आवाज़ें दोबारा सुना सकूँ। ये भी दरिया का छोटा सा पार्ट है, काफ़ी भाव है इसका। मज़ीद आगे चलते हैं और वीडियो को मज़ीद स्किप करके अगले सीन दिखाते हैं। थोड़ा सा मज़ीद आगे चल रहे हैं, ज़मीन देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा दरिया की साइडों के हिस्से हैं। जूते मजबूत पहन कर आइएगा, वरना यहाँ पे इस तरह के पत्थरों पे चल के आने की वजह से नरम और नाजुक जूते जो हैं वो टूट जाते हैं। मेरा एक दफ़ा टूट चुका है, इसलिए मैं आपको एहतियातन दे रही हूँ। शूज़ पहने तो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखिए जी, बस यहाँ किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो साथ होने चाहिए हमारे आम, ताकि हम इस दरिया में रखें और उसको बैठ के यहाँ सकें। काफ़ी पतला है, कह सकते हैं ज़मीन की सतह नज़र आ रही है, गिराई नहीं है इस, और ये पत्थर इन पर बैठ कर आप इंजॉय कर सकते हैं पाँव को पानी के अंदर डालकर। साइडों पे काफ़ी हरियाली है। ज़रा सा मस्जिद आगे गई तो कुछ लोगों को हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा, इंजॉय हो रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है दरिया के किनारे। ये देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी है वो जी परिंदों की आवाज़ें, यकीन करें इतनी सुरीली आवाज़ें थी, दिल चाह रहा था कि तुम बंदा सुनता रहे और बोले ना। दरियाओं का ठंडा पानी,
अच्छा मौसम, फलदार दरख्त और परिंदों की आवाज़ें, बहुत अच्छी ही जगह थी। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं मज़ीद। और जनाब अब हो गई है शाम, हमने पूरा दिन यहाँ गुजार लिया और ये आप सूरज ग्रूप होने वाला है, ये वापस चलने वाले हैं। हमारी जर्नी आज यहाँ और ये ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।